अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का जो टॉपिक है वो है कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक क्या होता है? सबसे पहले तो आपको जानना ये जरूरी है कि कमर्शियल बैंक भी बोरोड फंड्स के अंदर आता है, ठीक है? तो आप एक बार बोरोड फंड्स वाली जो लेक्चर है वो जरूर जाके देखिए, ठीक है? आपको इसलिए सारी चीजें समझ में आने लगेगी। तो देखिए, कमर्शियल बैंक भी कुछ नहीं, सेम बोरोड फंड जैसा कंसेप्ट फॉलो करता है। बैंक, ठीक है, और ये कोई भी पर्सन जिसको लोन चाहिए, तो ये बैंक क्या करता है, इस पर्सन को लोन देगा। ये बंदा क्या करेगा, बैंक को फ्यूचर में क्या करेगा, बैंक को पेमेंट वापस कर देगा। तो सपोज करना कि बैंक ने ₹10,000 का इस पर्सन को लोन दिया, ठीक। तो ये पर्सन क्या करेगा, ₹10,000 तो देगा ही बैंक को, जब वापस करेगा ये बंदा, जब बैंक को वापस करेगा फ्यूचर में पैसा, तो लोन का 10,000 तो देगा, साथ ही साथ कुछ इंटरेस्ट भी देगा। इंटरेस्ट कुछ भी परसेंट का हो सकता है, 10% का हो सकता है, 13% का हो सकता है, 50% का हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लोन प्लस इंटरेस्ट जोड़ के ये बंदा बैंक को पैसा वापस करेगा, ठीक है। तो ये जो फंडा होता है इसे हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। तो होपफुली आपने कमर्शियल बैंक किस तरीके से काम करती है आपने समझ लिया होगा। अब देखिए, जो कमर्शियल बैंक है ये आपको शॉर्ट टर्म लोन भी देती है, मीडियम टर्म लोन भी देती है, लॉन्ग टर्म लोन भी देती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन मतलब जो 3 महीने तक के लोन होते हैं, 3 मंथ्स के अंदर या 3 महीने तक, 3 मंथ्स तक। मीडियम टर्म लोन 6 मंथ तक के लोन रहते हैं, और लॉन्ग टर्म जो लोन रहते हैं ये बेसिकली मीडियम जो रहते हैं ये 12 मंथ्स तक रहते हैं, ठीक है, लेस देन 1 ईयर, और जो लॉन्ग टर्म रहते हैं वो मोर देन 1 ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से कमर्शियल बैंक तीनों टाइप के लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन शॉर्ट टर्म लोन जब आप कमर्शियल बैंक से लेने जाओगे तो वो आपसे सिक्योरिटी ऐसा या फिर कोलेटरल वो आपसे ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती है। अगर आप मीडियम टर्म लोन अगर कमर्शियल बैंक से मांगोगे तो उसके इसमें सिक्योरिटी आपसे ले सकती है, आप भी नहीं ले सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी मांगोगे तो डेफिनेटली आपसे लोन ले, मतलब एज अ सिक्योरिटी आपसे लेगी ही लेगी, अगर वो आप अगर आपको लोन कमर्शियल बैंक से चाहिए तो, ठीक। तो ये तो होपफुली आपने समझ लिया। अब हम करते हैं मेरिट्स के बारे में। देखिए, कमर्शियल बैंक के फायदे क्या है। सबसे पहला, इजिली अवेलेबल, आपको कहीं भी जाइए आपको कमर्शियल बैंक हर जगह मिल जाएगा। मेंटेन सिक्रेसी, सिक्रेसी का मतलब है वो आपके सीक्रेट्स को मेंटेन करके रखती है। जो भी कमर्शियल बैंक से आपकी बात होगी, कौन किसके बारे में आपको लोन चाहिए, ठीक है, हर वो चीज़ जो है वो कमर्शियल बैंक आपके लिए सीक्रेट रखेगी, किसी को नहीं बताएगी। थर्ड चीज़ है इकोनॉमिकल, जब आप कमर्शियल बैंक से पैसा मांगते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत खर्चा जो रहता है आपका बहुत बच जाता है, इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक जो होता है वो फ्लेक्सिबल सोर्स होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो, मतलब अगर मार्केट में कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल की गुडविल अच्छी होगी, गुडविल मतलब उसकी इमेज, मार्केट में इमेज क्या है, ठीक है। तो कोई भी कंपनी से मान लीजिए गुडविल अच्छी होगी, ठीक है, तो उसको कंपनीज या फिर कमर्शियल बैंक जो होती है वो लोन ज़्यादा देती है वैसे टाइप की कंपनीज को। और जिसकी मार्केट में गुडविल कम होती है, उसकी इमेज बेकार होती है या फिर कम होती है, उसको उस तरीके से लोन कम देती है। तो मतलब आपकी गुडविल के हिसाब से वो क्या करती है, लोन आपको प्रोवाइड करती है। इसलिए कहीं ना कहीं जो कमर्शियल बैंक है ये फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। अब डीमेरिट्स, मतलब कमर्शियल बैंक के घाटे क्या है। देखिए, जब भी कमर्शियल बैंक कोई भी इंडिविजुअल हो या फिर कोई भी कंपनी हो, ठीक है, कोई भी कंपनी हो, तो वो हमेशा कमर्शियल बैंक कंपनी से या फिर कोई भी इंडिविजुअल को लोन देने से पहले उसके बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डिटेल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, लोन देने से पहले, मतलब ये कंपनी दे भी पाएगी कि नहीं दे पाएगी, क्या है, हर वो सारी चीज, ठीक है। तो ये एक तरीके का डीमेरिट हो जाता है। अब देखिए, अब सेकेंड वन है, बैंक्स में पुट रिस्ट्रिक्शन एंड डिफिकल्टीज, डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशन। देखिए, अगर मान लीजिए आपकी कंपनी और आपने कमर्शियल बैंक से पैसा मांगा, तो कमर्शियल बैंक कहीं ना कहीं आपकी सारी जो कंपनी में एक्टिविटीज चलती है उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर देगी। मतलब सपोज कीजिए कि आपका ये प्रोजेक्ट है और आपको लग रहा है आपकी कंपनी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में अगर आप पैसा डालोगे तो आपको प्रॉफिट डबल होगा, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है इसमें, ठीक। तो अगर तो इसमें क्या हो जाएगा, कमर्शियल बैंक बीच में आके ऐसा भी बोल सकता है कि नहीं, तुम
इसमें पैसा लगा ही नहीं सकते हो, लेकिन आपकी कंपनी चाहती है कि इसमें पैसा लगे। तो इस तरीके से कभी कभार रिस्ट्रिक्शन भी आ जाती है कोई भी कंपनीज में, अगर वो कमर्शियल बैंक से पैसा मांगती है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो होपफुली आप इसने इसे समझ लिया होगा। नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि बुक रीडिंग ज़रूर करना, ठीक है। लेक्चर्स आपको हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारी नोट्स भी आपको हमारी वेबसाइट में, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए गाइस, इसी के साथ मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।